अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ क्रीम भल्ले। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। किसी भी बेस्ट ओकेजन पे बनाने के लिए, किसी ईद के मौका पे या किसी गेस्ट के आने के लिए, तब आप इसे इजीली बना सकते हैं। आज मैं आपको उसको बनाने का तरीका बताती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्याली दही यूज़ कर रही हूँ, बनानास, 3 अदद एप्पल्स, 1 अनार, मायोनीस, मिल्क क्रीम, माश की दाल, इसे मैं भल्ले बनाने के लिए यूज़ करूँगी, 1 प्याली, 1 प्याली चीनी, 1 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा, बेकिंग सोडा 1 चुटकी और नमक भी 1 ही चुटकी, 2 टेबलस्पून इसमें हम मैदा यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं माश की दाल को ग्राइंड कर लेती हूँ। अच्छे से हमने इसका पाउडर बना लेना है। बाउल में मैं माश की दाल का पाउडर ऐड करूंगी जो मैंने बनाया है, साथ ही हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे, नमक, ज़ीरा, बेकिंग सोडा। और ये चीज़ें ऐड करने के बाद पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि ये पाउडर मिक्स हो जाए अच्छे से। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इस पाउडर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा नॉर्मल वाटर ऐड करती जाऊंगी और इसे अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। इसे अच्छे से मिक्स करना है, याद रखना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। भल्ले बनाने के लिए एक घोल मैंने इसका बना लिया है, ये देखिए इसमें कोई भी गुठली नहीं है। अब हम पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। एक बड़ा मग कुकिंग ऑयल इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ऑयल को अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर मैं छोटा छोटा चम्मच ये घोल ऐड करती जाऊंगी। बिल्कुल छोटे से हमने भल्ले बनाने हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। जब इनका कलर ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे ऑयल से निकालने के बाद पानी में ऐड करेंगे डायरेक्टली ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जब तक भल्ले बनके तैयार होते हैं हम फ्रूट्स को कट कर लेते हैं। सारे एप्पल्स को मैं कट कर लूँगी। एप्पल्स के मैंने पीसेस कर लिए हैं, अब मैं इसे बारीक बारीक कट करती जाऊँगी और इसी तरह हम सारे एप्पल्स काट लेंगे। इसका कलर ब्राउन हो गया है, इसके नीचे मैं फ्लेम एक दफ़ा बंद कर दूंगी और इसे पानी में निकालूंगी, नॉर्मल पानी में। इस तरह से ये सॉफ्ट रहते हैं। इसे 2 मिनट के लिए मैंने पानी में रख लिया था, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे मैं हाथ की मदद से निचोड़ के निकाल लूँगी प्लेट्स में। ये देखें आपके सामने है कि ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। सेब को मैंने कट कर लिया है, अभी इसे मैं साइड पे कर दूँगी और सारे बनानास को कट कर लूँगी। बनाना का छिलका उतार के अब इसे हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। बनानास मैंने कट कर लिए हैं, अब हम अनार को भी कट कर लेंगे। अनार को हमने कट कर लिया है, अब इसके अंदर से ये सारे दाने मैं निकाल लूंगी।
क्रीम भल्लों की क्रीम तैयार करने के लिए बाउल में सबसे पहले दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसमें पूरी मिल्क पैक क्रीम ऐड करेंगे। पूरी एक मिल्क पैक क्रीम ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा बीट कर लूँगी ताकि हमें बाद में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अब हम इसमें एक प्याली मायोनीज ऐड करेंगे। मायोनीज ज़रा कम ऐड की जाती है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और ये ऐड करने के बाद अब हम इसे भी मिक्स कर मायोनीज को भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें एक प्याली शुगर ऐड कर रही हूँ, ये तकरीबन 3.5 टेबल स्पून है। चीनी को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। शुगर पाउडर भी यूज़ करें वो भी ज़्यादा बेस्ट है। जो बच्चे फ्रूट शौक से नहीं खाते हैं आप उनके लिए ऐसे बना सकते हैं, उनको ज़रूर पसंद आएगी। क्योंकि फ्रूट्स के अंदर बहुत से विटामिन प्रोटीन मौजूद होती हैं जो बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं, आप इस तरह उन्हें बना के दें ताकि उनकी गज़ाइत भी भरपूर हो सके। जब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो सारे फ्रूट्स मैंने कट करके रख लिए हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मायोनीज बनाने का तरीका बताऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। क्रीम भल्लों की क्रीम को मैंने तैयार कर लिया है, ये देखिए इसमें चीनी अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुकी है। अब इसमें हम फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, एप्पल्स, बनानास, आप और फ्रूट्स भी ऐड कर सकती हैं लेकिन ये इसका टेस्ट ज़्यादा सही रहता है क्रीम भल्लों के लिए। अनार और भल्ले, ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम स्पून की मदद से, बीटर से बीट नहीं करना। अब सब चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद अब दोनों स्पून्स की मदद से हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। आप इसके अलावा आपको जो फ्रूट पसंद हो वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको मिल्क क्रीम ज़्यादा पसंद हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, क्रीम भल्ले बनके तैयार है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। आप इसे फ्रीज करके भी खा सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। इसके ऊपर अब मैं बारीक कटे हुए थोड़े से बादाम ऐड कर दूंगी, आप और ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ेदार क्रीम भल्लों की रेसिपी बनके तैयार है, आप इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।